श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः। सबके पास किताब है कि नहीं? सबके पास है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो बगल में से पढ़ लेना, नहीं तो गुप्ता जी के पास है तो लेके आके बैठ जाओ, खरीद लेना। देखिए, या निशा सर्वभूताना, इसे पहले का श्लोक में अविद्यायाः च विद्या विरोधात् निवृत्तिः इति एतम् अर्थं स्फुटीकुर्वन् आह। तो अविद्यायाः विद्या विरोधात्, अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण फिर निवृत्तिः, ये सारा जो संसार है इंद्रियाम इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इस संसार से निवृत्त होकर यही अर्थम, इस अर्थ को स्फुटीकुर्वन् ध्रुवीकुर्वन् मैंने ध्रुवी करते हुए आगे का श्लोक या निशा सर्वभूताना। अच्छा, अब फिर हम पहले से है एक बार जाएंगे। देखिए, या निशा रात्रि सर्वपदार्थानां अविवेककरी तमस्वभावत्वात् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां। हमारा ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ के रूप में एक हफ्ता में ये सब कंप्लीट करना ऐसा हमारा कोई संकल्प नहीं है ना, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो या निशा रात्रि सर्वपदार्थानां अविवेककरी तमस्वभावत्वात् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां, माने निशा माने क्या है, सर्वभूतानां रात्रि, निशा माने सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, माने सभी प्राणियों के लिए रात्रि जो है, क्योंकि वह रात्रि का मतलब क्या है, सब पदार्थों के बीच में जो अंतर है वो अंतर मिट जाता है, अंतर को मिटाने वाली चीज है, क्या है, रात्रि। अच्छा, उसी को रात्रि कहते हैं। किम तत्, वो रात्रि यहाँ पे इस अर्थ में रात्रि का मतलब क्या है, हमारे समझ में हमारे जो हमारा नित्य अनुभव जो है, रोज जो रोज का रोज जो अनुभव हो रहा है हमको, रात को माने रात माने रात्रि, हमारा अनुभव में जो रात्रि है वह रात्रि नहीं है यहाँ पे। तो फिर रात्रि का मतलब क्या है, किम तत् परमार्थ तत्व सिद्ध प्रज्ञस्य विषय, जो परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान है, जो सिद्ध प्रज्ञ का उसी का सिद्ध प्रज्ञ का लक्षण है, विषय है, माने सिद्ध प्रज्ञ के लिए ही वही लक्षण बन गया, माने विषय बन गया, तो सिद्ध प्रज्ञ का विषय जो है तो वही परमार्थ तत्व, परमार्थ विषयक जो बोध है, जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वही है रात्रि। वह रात्रि जो केवल वो रात्रि सिद्ध प्रज्ञ पुरुष के लिए उनका विषय हो जाता, विषय माने उनका उनका अनुभव के लिए अनुभव योग्य,
पदार्थ जैसे ब्रह्म तत्व बन गया, उनके लिए स्थित प्रज्ञ का जो विषय है, सबके लिए जो रात्रि है, तो माने रात्रि का मतलब क्या है, परमार्थ विषयक जो ज्ञान है, परमार्थ तत्व जो है वही है रात्रि। किसके लिए रात्रि है, सभी प्राणियों के लिए, अज्ञानियों के लिए। और वह रात्रि, रात्रि माने परमार्थ तत्व ज्ञान, स्थित प्रज्ञ के लिए विषय बन गया, उनके लिए ये विषय बन गया। विषय माने देखने योग्य, अनुभव करने योग्य वस्तु जो है वो बन गया। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं यथा नक्तम चराणाम हहएव सद अन्येषां दिशा भवति तद्वद नक्तंचर स्थानीयाम अज्ञानाम सर्वभूतानाम निशा इव निशा परमार्थ तत्वम अगोचरत्वात् अतद्बुद्धिनाम। इसका मतलब क्या है, जो रात्रि, रात्रि में चरने वाले जो प्राणी हैं, रजनीचरों के लिए, रजनी माने रात्रि, निशा माने रात्रि, जो अंधकार में जो चलने वाले जो जितने भी प्राण हैं, वे सारे जो रजनीचरों के लिए, हाँ, जो दिन हो जाता माने रात्रि घूमने वाले जानवरों के लिए वो दिन है, है ना, रात्रि में उनका व्यवहार चलता है कि नहीं। जब हर और प्रकाश आ गया तो वो सोते हैं, उनके लिए रात्रि है। तो इसीलिए जो रजनीचरों के लिए माने रात में चरने वाले फिरने वाले प्राणियों के लिए जो दिन होता है, वही अन्य लोगों के लिए रात्रि है, है ना। माने जानवरों के लिए जो दिन है, बाकी लोगों के लिए लौकिक में, लौकिक दृष्टि में बाकी सभी लोगों के लिए रात्रि है कि नहीं। इसी तरह अभी रात्रि चरने वाले, रात्रि में चरने वाले घूमने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनके स्थान में अज्ञानी को डाल दो। माने तुलना करके रात्रि को घूमने वाले जितने भी जानवर हैं, प्राणी हैं, उनके स्थान में किसको बिठा दे, अज्ञानी पुरुष को बिठा दो। तो इसी तरह अज्ञानियों के लिए, माने अज्ञानी माने कौन है, जो रात्रि चरने वाले स्थान में जो बैठे हैं उनके साथ तुलना करके उनको बिठा दो। तो उन अज्ञानियों के लिए तो रात्रि क्या है, जो परमार्थ तत्व है वही रात्रि है, है ना। तो जैसे जानवरों के लिए, सभी रात्रि चरने वाले प्राणियों के लिए, जानवर नहीं, नक्तंचराणाम रात्रि चरने वाले प्राणियों के लिए, जो हर जगह जो प्रकाश पूर्वक जो दिन होता है वो रात्रि है कि नहीं उनके लिए। तो इसी तरह अज्ञानी के लिए जो सर्व प्रकाशक परमार्थ तत्व जो है वही रात्रि है, माने हमारे लिए वो रात्रि है। फिर हम कौन है, जैसे नक्तंचराणाम रात्रि में चरने वाले रजनीचर माने रात्रि में चरने वाले सभी प्राणियों जैसे अज्ञानी पुरुष भी ऐसे ही है। माने किस लिए रात्रि है, परमार्थत्व ही रात्रि है अज्ञानियों के लिए। क्यों, क्योंकि ये ना अगोचरत्वात् अतद् बुद्धिनाम, अज्ञानियों को वो तत्व दिखाई नहीं देता, है ना। तत्व सुचर्व सर्वव्यापक जो तत्व है, शुद्ध चैतन्य रूप जो प्रकाश है, उसका अनुभव करना इनके लिए नहीं होता। तो क्योंकि किस लिए, अतद् बुद्धिनाम, इनकी जो बुद्धि है परमार्थ या परमात्मा संबंध बुद्धि नहीं है, लौकिक बुद्धि है उनकी बुद्धि, जो बहिर्मुखी बुद्धि है। परमार्थ विषय जो बुद्धि है माने जिस बुद्धि का विषय परमात्मा ही है, तो फिर उस बुद्धि को परमात्मा ही, परमात्मा का ही दर्शन माने परमात्मा ही गोचर हो जाता है। जिस बुद्धि का विषय, ये हमारे बुद्धि का विषय क्या है, बाह्य वस्तु। हमारे बुद्धि का विषय क्या है, बस विषय वस्तु, भावनाएं, विचारें, सभी बाहर की दुनिया। तो बाहर की दुनिया, हमारा जो टॉर्चलेट है, जो लाइट आती है बाहर, हाँ, उस रोशनी को या लाइट को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। किस पर फेंकते हैं, बाहर की दुनिया के ओर फेंक कर, और उस लाइट में, उस कांति में हम बाहर की वस्तुओं को अनुभव कर रहे हैं।
तो वही लाइट जो बुद्धि जो परम जिस बुद्धि को परमार्था ही विषय बन गया, माने अंतर्मुखी बनकर जो परमात्मा का ही देखने लग जाता है, उस बुद्धि के लिए ये परमात्मा परमार्थ तत्व गोचर है, अज्ञानी के लिए अगोचर है। क्योंकि अतत बुद्धि नाम, इनका जो बुद्धि है, इनकी बुद्धि कैसी है? परमार्थ संबंधित बुद्धि नहीं है, परमार्थ विषयक बुद्धि नहीं है। इसलिए अच्छा, तो फिर आगे अब जाएंगे। और तस्याम जागृति संयमी, इस पर भाष्य पर तस्याम जागृति संयमी, इस पर भगवान शंकराचार्य लिखते हैं तस्याम मन में, इसमें किसमें? परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धः जागर्ति संयमी संयमवान जितेंद्रियः योगी इत्यर्थः। इसका अन्वय हम करेंगे। अन्वय कैसे है? अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धः, जो अज्ञान निद्रा से जग गया, प्रबुद्धः, जो अज्ञान निद्रा से जगा हुआ जो आए आदमी है, अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धः, कौन है वो? कौन जगा? संयमी, उसको हम कहते हैं संयमी पुरुष, संयमी। तो अज्ञान निद्रायाः संयमी प्रबुद्धः, कौन जग गया? कौन है वो जगा हुआ आदमी? संयमी। संयमी का मतलब क्या है? संयमवान, संयमवान माने जितेंद्रियः, जितेंद्रिय माने योगी इत्यर्थः। देखिए अब समझ आ रही बात, संयमी का मतलब क्या है, संयमवान का मतलब क्या है? सब जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में जो लाया है, इसका मतलब कौन है वो? योगी इत्यर्थः। तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम जागृति, वो योगी क्या है? उस परमार्थ तत्व विषयक, हाँ, उस विषय में जागृति, वो जग गया। अज्ञान निद्रा से उठकर उनकी जागृत अवस्था क्या है? परमार्थ तत्व बोध ही उनका जागृत अवस्था है। उनकी जागृत अवस्था क्या है? तो वही बोध ही जागृत अवस्था। तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम जागृति, वो जग गए। किसमें जगे? उसमें। जो सबके लिए नींद है, रात्रि है, उनके लिए जो रात्रि क्या है? परमार्थ तत्वम सभी के लिए रात्रि है, और योगी के लिए जागृत अवस्था है। अच्छा, अब देखिए फिर यस्याम, और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मिनेह, इस पर व्याख्यान करते हैं आचार्य जी। यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते, यस्याम निशायाम प्रसुप्ता इव स्वप्नदृशः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतत्वं पश्यतो मुनेः। अब देखिए माने क्या है? ग्राह्य और ग्राहक भेद रूप, जो अज्ञान अंधकार रात्रि में, माने अज्ञान अंधकार रात्रि है, उस रात्रि में क्या है, क्या भेद है? उस रात्रि में कुछ व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किस तरह का व्यापार है? बस दो ही, एक ही व्यापार माने ग्राह्य और ग्राहक रूप में विभाग किया हुआ व्यापार, माने कुछ प्राप्तव्य वस्तु है, प्राप्त करने वाला मैं हूं, कुछ भोग्य वस्तु है, भोक्ता मैं हूं, देखिए कुछ सुनने का जो है मैं श्रोता मैं हूं, इस तरह के जो दुनिया हमने बना के रखी है, माने भेद करके। तो ग्राह्य ग्राहक भेद रूप उस अज्ञान अंधकार रात्रि में जो सोए हुए प्राणी हैं, जितने भी हैं, वही प्राणियों को हम कहते हैं जगे हुए हैं, माने सोए हुए अज्ञान अंधकार में सोते हुए प्राणी जग गए हैं, उनका जागृति अवस्था माने क्या है? व्यापार चला रहा है।
कौन सा व्यापार है? ग्राह्य ग्राहक रूप में व्यापार चलाते हुए अज्ञान अंधकार रात्रि में सोते हुए प्राणियों को ही हम कहते हैं जगे है। किसमें जगे है? इस व्यापार में जगे है। समझ में आ रही बात? तो रात्रि में हमारे व्यापार हो रही है। हाँ देखिए, अब देखिए, एक रस्सी है रज्जु सर्प, फिर वेदांत में प्रवेश करेंगे, चलिए मजा आएगा। रज्जु सर्प, रज्ज सर्प, रज्जु को देखकर सर्प की भ्रांति होता है कि नहीं होता है? और जब आप रज्जु को देख लिया हो तो ठीक है, प्रॉब्लम खत्म। मगर आप सांप को देखे, सर्प को देखने से फिर आपको नया विचार या व्यापार शुरू होता है कि नहीं? क्योंकि वहां पे द्वैध भाव आ गया, भय आ गया, फिर भागने की कोशिश या उसको सांप सर्प को मारने का प्रयास करना, भागने का प्रयास करना, तो पसीना निकालना, दूसरों के लिए पुकारना, जो सारा व्यवहार जो है, व्यवहार जो चला रहे हैं हम, किस लिए चला रहे हैं? इसीलिए कि हम जहां जहां पे रज्जु है, रस्सी है, वहां उस रस्सी के स्थान पर हम क्या देख रहे हैं? हमारा अनुभव सर्प का अनुभव हो रहा है। सर्प का अनुभव होने से, सर्प को देखने से जो व्यवहार उत्पत्ति हुई, अनेक प्रकार के व्यवहार का उत्पत्ति जो हुई, उसी को हम कहते हैं अज्ञान निद्रा में सोते हुए आदमी जग गए। किस व्यवहार में जगे है? ग्राह्य ग्राहक लक्षणायाम, इस तरह का लक्षण संयुक्त युक्त जो व्यवहार है, उस व्यवहार में, उसी रात्रि में उस व्यवहार को चला रहे हैं। कौन है वो? अज्ञानी। ग्राह्य और ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्यानिशायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। सोते हुए आदमी को जागृति होती, ये जगे हुए है, ऐसा हम कहते हैं। अच्छा, उनकी स्थिति कैसी है? उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, कैसे? स्वप्न दृशः, जैसे स्वप्न अवस्था में हम बाकी दुनिया के लिए जो जगे हुए आदमी कहते ये सोया है ना, ये सोया हुआ है, मगर वास्तव में सोया हुआ आदमी स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में अपना जो व्यवहार है उसको चला रहे हैं। स्वप्न में व्यवहार क्या है? द्वैत व्यवहार। स्वप्न का आधार व्यवहार, उसका आधार क्या है? द्वैत का अनुभव। और एक प्रश्न यह है, मजेदार बात है, यही है कि आप जिसको देख करके व्यवहार चला रहे हैं स्वप्न को, वास्तव में स्वप्न अनुभव, स्वप्न दृश्य जो भी है, वो सारा का सारा आपका ही मन है। स्वप्न देखने वाला भी आप है, स्वप्न दृश्य भी आप है, उस बीच में जो संबंध जारी रखे हैं वो भी स्वप्न में ही है। स्वप्न में आपको जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आपको स्वप्न में दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में सारा का सारा, माने देखिए, जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, सबका सब मेरा ही मन है। देखिए, और आप कहोगे कि मैं तो चेतन पुरुष हूं, पुरुष माने पुरुष यनात पुरुष, शरीर में रहने के कारण पुरुष कहा गया, ठीक है, मैं चेतनवान पुरुष हूं, मैं चेतन युक्त पुरुष हूं, तो फिर मैं उस चेतनात्मक मन से, हाँ, फिर इस तरह का अचेतन वस्तु की सृष्टि कैसी की गई, जड़ वस्तु की सृष्टि कैसा किया गया स्वप्न में? क्योंकि पहाड़ देख रहे हैं वहां पे, वो तो जड़ है, माने उसी चैतन्य स्वरूप आपका जो मन है, उसी से जड़ वस्तु की उत्पत्ति भी हुई और चेतनात्मक सृष्टि भी हुई। किसमें? स्वप्न में। यह है कमाल। वही परमात्मा एक दो रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए वास्तव में हमारी स्थिति कैसी है? स्वप्न जैसे ही है, स्वप्न दृश्य। यहां तक समझ में आ गया?
सानशा अविद्या रूपत्वात्, क्योंकि वो अविद्या रूप होने के कारण, क्योंकि जिस तरह की जो इस तरह की अज्ञान अंधकार रात्रि जो है वह अविद्या रूप होने के कारण, ठीक है, और परमार्थ तत्व रूप परमार्थ तत्व को अनुभव किया हुआ मुनि के लिए, उनके लिए जो परमात्म तत्व का अनुभव किया गया उस मुनि के लिए वही रात्रि है। माने ये द्वैत प्रपंच, ये द्वैत युक्त व्यवहार जो है वही रात्रि है, जिसमें अज्ञान पुरुष जगकर व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो हमारे लिए निशा क्या है, रात्रि क्या है, वो तत्व ही रात्रि है। मगर हम जगे नक्तंजर स्थानीय, किस में जगे, अंधकार में जगे हैं, अज्ञान अंधकार में जगकर हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार चला रहे हैं। कौन सा यह व्यवहार, ग्राह्य ग्राहक लक्षणाया। अतः इसलिए अभी आगे के जो भाष्य हम देखेंगे, तो साधन क्या है, कल राम को बता दिया है ना, आपको बता दिया कि नहीं, साधन बताया कि नहीं रात को, कल रात को आखिर में मैंने आपको सुना दिया कि तो क्या करें जीवन में, तो किस तरह से व्यवहार चलाए, माने इस व्यवहार को पकड़ो मत, क्योंकि सभी बाक में स्वप्न अंत में, स्वप्नांत में इस सारी जो सृष्टि है, स्वप्न दृश्य जो सृष्टि है मुझ में ही लीन होने वाला है, तो उसको आप ज्यादा महत्व मत देना। इसका मतलब क्या है, निर्लिप्त होकर व्यवहार करो, माने माने कठोर रूप में नहीं, एक कठोर व्यक्ति बनकर व्यवहार करो ये नहीं, निर्लिप्त होकर व्यवहार करो और अपने आप से ही प्रेम करो, क्योंकि सारा जो स्वप्न है वो आपका ही स्वरूप है। इस होश में जियो, आप इस होश में जियेंगे तो फिर आप को धीरे 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 इस स्वप्न प्रति, स्वप्न के प्रति जो ममत्व बुद्धि है उस ममत्व बुद्धि का नाश होने लग जाता है, और इस सृष्टि में माने व्यवहार में दुनिया में सभी लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, इन सब में हमारी जो ममत्व बुद्धि हट जाते हैं, जब हट गया हो तो क्या होगा, तो ममत्व बुद्धि रहित व्यवहार करना, जब उसको ही कहते हैं निर्लिप्त होकर व्यवहार करना। ममत्व बुद्धि को छोड़ना, अब आगे कहेंगे, अतः इसलिए कर्माणि अविद्या अवस्थायाम एव चोद्यन्ते न विद्या अवस्थायाम। देखिए अब ये को ये याद रखना, मैंने क्या कहा, रात्रि में ही ग्राह्य ग्राहक व्यवहार हम सब चला रहे हैं, रात्रि माने अज्ञान अंधकार रात्रि में, वही बात कह रहे हैं, इसीलिए कर्माणि अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते, सारे जो कर्म हैं हाँ उसकी चोदना, चोद्यन्ते माने उसके विधान निर्देश, ये कर्म करो ऐसा निर्देश किया गया, किसमें, कब, किस अवस्था में, अविद्यावस्था में। जब तक हम सब अज्ञान अवस्था में हैं तब तक हमको ये कर्म का विधान दिया गया, न विद्या अवस्थायां, जागने के बाद इसका कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है माने स्वप्न से जागने के बाद, स्वप्न में जब ठहरते समय हमने जो जो प्रोजेक्ट का आरंभ किया, शुभारंभ सब अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट आरंभ करके मर जाते हैं बेचारा, तो ये सारा प्रोजेक्ट का आरंभ सब सब हो खत्म हो गया,
अब मैं जग गया हूँ, मेरे स्वप्न की जो पत्नी थी और ये बच्चे हैं उनसे मिलने जाएंगे फिर दोबारा। कहाँ है? तो न विद्या अवस्थाया, ज्ञान अवस्था में यह व्यवहार होना असंभव, अविद्या अवस्था में यह व्यवहार चलाना मजबूरी। क्योंकि तादात्म्य के कारण विद्यायाम ही सत्याम उदिते सवितरी शार्वरम इव तम प्रणाशम उपगच्छति अविद्या अविद्या। देखिए जैसे कि भगवान सूर्य का उदय होते हुए ही सवितरी उदिते, भगवान सूर्य का उदय होते ही शार्वरम इव, जैसे सारा अंधकार दूर हो जाता है, इसी तरह विद्यायाम ही सत्याम तम प्रणाशम उपगच्छति अविद्या अविद्या उपगच्छति। माने ये अंधकार जो है, अविद्या पूर्वक जो अंधकार है, विद्या की उत्पत्ति होने से ही सारा का सारे सब खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको ये ज्ञान हो गया कि खिलौना हमें कोई आनंद नहीं देता, एक ज्ञान हुआ कि नहीं आपको? अपना कम से कम एक ज्ञान अभी तक हुआ है? हो गया ना। जब ये ज्ञान हो गया तो आप खिलौने के पीछे पड़ते क्या? नहीं पड़ते। देखिए ये मजेदार बात यही है, ये सृष्टि में, ये काल्पिक सृष्टि में एक चीज को अनुभव करने के बाद हमें पता लगता है कि इसमें कोई तृप्ति नहीं है। जो भी जैसे भी आपका अनुभव हो, कोई भी अनुभव ले लीजिए, किसी भी अनुभव में तृप्ति नहीं मिलती। तो भ्रम से व्यवहार मत करो। जैसे कि यदि हमको, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रवचन में तृप्ति मिलेगी, ये बड़ा भ्रम है। मगर तृप्ति नहीं मिला तो 25 साल, 30 साल, 50 साल करेंगे फिर तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि मैं जीवन भर बोल बोल के थक गया हूँ, ना मैं सुधरा ना दूसरे सुधरे। तो इससे अच्छा और कुछ कर लेते, और कुछ माने ध्यान कर लेते अलग होकर। अब देखिए तृप्ति नहीं मिलती, सो ये तृप्ति मिलती है ऐसा समझकर व्यवहार मत करो। बात ये पक्की होनी चाहिए कि तृप्ति के लिए मत करो। तो क्या करना है? ये धर्म है ऐसा करो, ये स्वप्न धर्म है, स्वप्न में बैठे हैं, ये इस जगत का धर्म है और मेरा ये धर्म है, कर्तव्य कर्म है, करना है करना है। क्यों करना? पूछो मत। क्या मिलेगा? पूछो मत। व्यवहार करो तृप्ति के लिए, वो कुछ भी नहीं, सब कुछ त्याग दो। अब देखिए एक काम करके आपको ये तृप्ति हुआ हो, फिर आपको, आप उस काम में, उस कर्म में आप प्रवृत्त दोबारा हो जाएंगे उसी तृप्ति को पाने के लिए। जैसे कि आप आम खाने से आपको तृप्ति मिली, हाँ जी तृप्ति मिली, तो क्या करोगे? अगले साल आम के लिए इंतजार में बैठे हैं। बैठते कि नहीं लोग? हाय राम, इस साल का सीजन खत्म हो गया, फिर अगले साल। माने इस दुनिया में तृप्ति के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो मिल भी जाए तो आप फंसोगे। इसीलिए तृप्ति के लिए भी मत करो काम, मिलने वाला नहीं है तृप्ति, तृप्ति मिलने वाली नहीं है। ये सिद्धांत है, जीवन का सिद्धांत है। फिर किस लिए करना? कर्म। देखिए हमारे जो गुरुजी से जब हम मिलकर आए हैं ना, हमारा कैंप हुआ तो बहुत बार ऐसे चिट चैटिंग में बहुत समय मिला, बहुत बार एक बार एक क्वेश्चन पूछे तो गुरुजी कह रहे थे, हमारे गुरुजी तेजो मैनन जी,
वो कह रहे थे कि देखिए कुछ ऐसे कुछ एक ऐसा कुछ विषय आया, तो बस क्या संदर्भ क्या है मुझे याद नहीं है, बस ये बात जो है वो याद है। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि देखो हाँ कुछ ऐसे बात हो रही थी। तो फिर गुरुजी ने बोला देखिए जैसे चोर आ जाता है ना, ताला अपने आप खोल जाता है, चोर का दर्शन करते ही ताला खुल जाता है, ये चोर का प्रभाव है ना, आया खुल गया ताला। अच्छा, तो फिर गुरुजी कह रहे हैं कि मैं मेरे कमरे को जब जब बाहर निकल के आता हूँ आश्रम में भी, मैं ताला लगा के आता हूँ। अच्छा, तो गुरुजी बोला ताला मैं इसलिए लगाता हूँ कि ये चोर के लिए कोई बाधक है, ऐसा नहीं है, चोर के लिए कोई बाधक नहीं है। आप सिर्फ ताला लगा दिया इसका मतलब आपने आपको चोर से बचा रहे, नहीं 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 नहीं, इसमें कोई तृप्ति नहीं है। फिर किसने ताला लगाया? तो बोलते हैं कि यदि चोरी हुई तो लोग हमसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपने ताला लगाया कि नहीं। तो इससे ये लोगों का जो संकट है उनका संकट मेरे ऊपर प्रश्न के रूप में उतार देते हैं कि आपने देखिए आप ताला भी नहीं लगाते हैं, ये क्या बात है स्वामी जी, आप तो ब्रह्म में बैठते हैं मगर ये दुनिया अलग है, ताला लगा रहता है आपको, ये सब का सुनना पड़ता है। इससे अपने आप को बचाने के लिए मैं ताला लगा देता हूं। ये नहीं है कि चोरी नहीं होती, हो सकता है। अब देखिए यहां पे तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारी जो तृप्ति है वो भी वास्तविक तृप्ति नहीं है, जिसको हम तृप्ति कह रहे हैं वास्तव में तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि वो तृप्ति से क्या निकलता है, तृप्ति से निराशा, तृप्ति से लालच, तृप्ति से लोभ बुद्धि, तृप्ति से जलन, न जाने क्या क्या किस तरह के गुण, किस तरह के दुर्वासनाएं उत्पत्ति हो जाती है, उसी में से पता नहीं है। देखिए इसीलिए व्यवहार करो, रात्रि में बैठे हैं तो ठीक है, जैसे हमको जिस तरह का कर्म करना है कर लो, ये काम कर लिया अपना धर्म, बस कोई तारीफ नहीं करते आपको, आपने ताला लगा दिया वेरी गुड क्लैप क्लैप क्लैप, ऐसा कोई तारीफ नहीं करते। मोबाइल फोन रोज चार्ज करने से कोई तारीफ नहीं करता, अब भूल के आ गया तो बेवकूफ है क्या, क्यों भूला, चार्ज करके आना था, और ये बात सबसे सुनना पड़ता है, समझ में आ गया कि नहीं बात, या बैठकर बकवास करें तो आप मान लेते हैं एक डेढ़ घंटा बकवास, अब नहीं किया तो क्यों 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 नहीं आया, सो रहे हैं क्या, अपना कर्तव्य को भूल गया, हम देखो तैयार होकर आ गए सुनने के लिए, सबसे सुनना पड़ता है। तो आपको यदि शांति से जीना है अपना कर्म कर लो, बस तारीफ के लिए नहीं, तृप्ति के लिए नहीं। तो जैसे सूर्य भगवान का उदय होते ही अज्ञान का नाश, इसी तरह अविद्या का नाश हो जाएगा। प्राग विद्योत्पत्ते है अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा क्रिया कारक फल भेद रूपा सती सर्वकर्म हेतुत्व प्रतिपद्यते। देखिए विद्या उत्पत्ति से पहले, विद्या उत्पत्ति के प्राग माने ज्ञानोदय से पहले, परमार्थ ज्ञान से पहले, फिर क्या हमारी बुद्धि क्या है, प्रमाण बुद्धिया अविद्या माने प्रमाण, अविद्या प्रमाण बुद्धिया माने प्रमाण बुद्धिया, अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाना, हमारी प्रमाण बुद्धि क्या है, अविद्या प्रमाण, देखिए प्रमाण बुद्धिया, प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाना अविद्या, जिस प्रमाण बुद्धि के द्वारा हम ग्रहण कर रहे हैं, किसका ग्रहण हम करते हैं, अविद्या का। देखो प्रमाण बुद्धि बन गए क्योंकि अविद्या ही
अविद्या का दर्शन ही और हमारी बुद्धि अविद्या का दर्शन करने में ही समर्थ है, तो अविद्या प्रमाण बुद्धि बन गया। और गृह्यमाना फिर तो अविद्या के कारण मन इस प्रमाण बुद्धि के कारण अविद्या प्रमाण प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाना अविद्या के कारण क्रियाकार का फल भेद रूपा सती। फिर इसमें अविद्या के कारण रात्रि का दर्शन करने से फिर रात्रि में जो व्यवहार है क्या उसका व्यवहार है, मैं करता हूँ, देखिए एक कर्म है मैं करता हूँ, ये कर्म क्रिया है, इसका फल ये है, तो क्रिया कार का फल भेद रूपा। अनेक प्रकार के भेद हो गए अविद्या बुद्धि के कारण, उसी को प्रमाण मान लिया, तो प्रमाण बुद्धि जिस प्रमाण बुद्धि से हम सब अविद्या के ग्रहण के द्वारा ये सारा व्यवहार हम चला रहे हैं उसके कारण क्या है, भेद क्या है, क्रियाकार का फल रूपेण सती सर्व कर्म हेतुत्व प्रतिपद्यते। वो वेद का दर्शन ही सर्व कर्म का सभी कर्मों का हेतु बन गया। समझ आ गया बात, मैं अलग हूं, ये चीज अलग है, ये दुनिया अलग है, मैं क्रियाकार करता, ये फल चाहिए, मैं करता हूं ये कर्म, इस कर्म के द्वारा उस फल का मैं अब उस फल भोगना चाहता हूं, मैं करता हूं, ये सारे भेद का उदय, इस भेद के उदय से ही व्यवहार हमको चलाना पड़ रहा है, ये भेद ही कर्म का हेतु बन गया। भेद के कारण मेरे मुझसे अन्य है, मैं पाना चाहता हूं तो उसके लिए कर्म करो, तो ये भेद रूप अनुभव वही कर्म का कारण कर्म हेतुत्व प्रतिपद्यते वो बन सकती है। न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणया कर्म हेतुत्व उपपत्ति ही। देखिए जब इसी में इसमें जो प्रमाण बुद्धि नहीं रह जाती माने अविद्या ही प्रमाण के रूप में हम स्वीकार किया, जब ये हमको ये पता लग गया कि भैया ये सब बेकार है ये सच नहीं है, न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणयाः कर्म हेतुत्व उपपत्ति है अनुपपत्ति ही, कर्म हेतुत्व न उपपत्ति ही। जब आपको ये पता लग गया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है या अविद्या ही है तो अप्रमाण बुद्धि, इसमें कोई प्रमाण बुद्धि नहीं है, प्रमाण बुद्धि नहीं रहने से कर्म का कोई हेतु नहीं बन सकता, प्रमाण मानो मत, हम अविद्या को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया। जो आपको मैं सरल भाषा में समझा देता हूं, अंधकार में रात्रि में अंधकार में मैंने अविद्या के कारण कुछ आपको कुछ चीज को देखकर और कुछ समझ लिया, मैंने बिल्कुल अंधकार नहीं है थोड़ी रोशनी है, इस रोशनी में देख करके आप एक चीज को देखा, एक चीज को देखकर उस चीज को देखकर और कुछ समझ लिया है ना, और कुछ समझकर चुप बैठे क्या, नहीं तो क्या किया, व्यवहार चालू किया, किस लिए चालू किया, ये अविद्या, माने अविद्या के द्वारा हम कोई चीज को हम देखते हैं, हम इसमें प्रमाण बुद्धि डाल दिया, माने ये सच है, गुरुदेव कहते हैं सत्यत्वम नित्यत्वम समचित्तत्वम, ऐसा कर तीन चीज है, हम किस लिए इस अविद्या जो प्रपंच है भाग रहे हैं, इसमें सत्यत्व बुद्धि पहला कारण, माने हमारा जो अनुभव है सब चीज सब पदार्थ है, ये सब पदार्थ सच है,
है ना, जो परिवर्तनशील जगत में जिसमें सारा व्यवहार सब कुछ परिवर्तन होते जा रहा है, फिर इसमें हम सत्वत्व बुद्धि को लगा दिया। आज हम एक चीज को खूबसूरत है करके ऐसा कहते हैं, ये व्यक्ति खूबसूरत है, ये चीज बड़ी अच्छी है और इसमें ये सत्य है ऐसा मान लिया, तो सत्यत्व बुद्धि को आपादन करने से पहले कारण है ना, ये सत्य है। दूसरा क्या कारण है, गुरुदेव कहते हैं नित्यत्वम, माने ये शाश्वत है, ये ऐसा ही हमेशा रहेगा। नित्यत्व बुद्धि के कारण तीसरा क्या है, समचित्तत्वम, ये मुझको आनंद देने में समर्थ है, ये वस्तु मुझे आनंद प्रदान करने वाला है या करने वाली है, ये तीसरा कारण। ये तीन कारण के कारण से हमारा मन युक्त होने से हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अब हम ये सत्य है, जान से सुनिए, ये सत्य है, एक वस्तु हमने देखा, ये वस्तु सत्य है, इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण का मतलब समझाया गया ना आपको, ये इस चीज को ये सत्य है करके आप मानकर बैठे हैं, प्रमाण क्या है, अविद्या। माने हम अविद्या को ही प्रमाण मानकर बैठे हैं। क्या है अविद्या, जो मुझको मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है वो सारा का सारा सच ही है, पहले हम इसको स्वीकार कर लिया। दूसरा क्या है कारण, नित्यत्वम, ये वस्तु हमेशा के लिए शाश्वत है, या ऐसा नहीं कि कल आज है कल जाएगा, इसीलिए रोते हैं ना, कोई मर गया रोते हैं, कोई चीज हमसे छीन ली रोते हैं। और भगवान कृष्ण का पहला उपदेश क्या है गीता का, किस पद से आरंभ हुआ, अशोच, शोक मत करो भाई, पहला शब्द आकर शब्द क्या है, माशुच रो मत भाई। तो गीता का उपदेश का आरंभ हुआ रोमत, अंत किया भगवान रोमत, हम क्या करते हैं रोते रोते प्रारंभ करते हैं भगवत गीता, क्यों, जीवन में मैंने क्या खराब पैसा कर्म किया, मुझको इस उम्र में यह पढ़ना पड़ रहा है। आजकल तुम गीता पढ़ने लग गए हो क्या, वो बेचारा सब ठीक है कि नहीं। हमारी शुरुआत ही रोल और सब खत्म करने के बाद फिर भी रोते आदमी, किस लिए रोते पता है, पढ़ तो लिया मगर ना मुझ में परिवर्तन हुई ना दुनिया में परिवर्तन हुआ, क्या फायदा, इतना ज्ञान प्राप्त किया क्या फायदा प्रभु, ये सब छोड़ो ये सब बेकार है। फिर क्या सच है, मेरा ये रोना है वही सच है, मेरा ये दुख है वही सच है। देखो सत्यत्वम नित्यत्वम माने ये शाश्वत है, तो आलिंगन करके बैठे हैं सबको, सभी चीज को सभी वस्तुओं को, ये सच है। अरे भाई तो आलिंगन तो किया है मगर ये जैसे आइस के जैसे बर्फ के जैसे वो पिघलते जा रहा है, जिस दुनिया को तुमने पकड़ के रखा है वो पिघलते जा रहा है, आपका ही आलिंगन में ही, नित्यत्वम। और ये वस्तु शाश्वत है, मैंने सत्य है शाश्वत है, और मुझको ये मुझे
सुख देने वाली चीज है, देगा जरूर सुख, इसमें सुख है, मुझे देगा। ये तीन बेवकूफी चिंतन के कारण उसी को कहते हैं अविद्या प्रमाण। इसके कारण ही हम सारा व्यवहार चला रहा है। पता है कि बताओ, एवरी स्टोरी यू नो एंड्स विथ सेंटेंस, देयर आफ्टर दे लिव्ड हैप्पीली। मैं पूछता हूं कि बाद में हाउ लॉन्ग, कब तक? इसके बाद सुखांत हो गया, सब आराम से सुख से जीवन जीने लगे, बढ़िया है। ब्रैकेट में डाल दो कितने साल, कब तक? इसीलिए भगवान कहते हैं न अप्रमाण बुद्धि आगृह्यमाणायाः कर्म हेतुत्व भवति ही। इसका जो अप्रमाण बुद्धि माने ये कोई प्रमाण नहीं है भैया, इसको मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अप्रमाण बुद्धि माने प्रमाण के मेरे इस जगत को व्यवहार को मानने का जो प्रमाण, मैं जिस अज्ञान को ही प्रमाण मानकर बैठा था वो अज्ञान ही मिट गया, अभी जो प्रमाण कोई रहा नहीं, तो इसीलिए फिर कर्म का हेतु क्या है? जो समाज सामने दिखाई पड़ रहा है, देखिए आप मेघ में और कुछ कोई चित्र देखते हैं उसको पाने के लिए प्रयास करते क्या? हाँ, मेघ में और कोई एक घोड़ा दिखेगा आपने तो नहीं दिखेगा, कभी हाथी दिखेगा, उसका प्रमाण क्या है प्राप्त करने का? अरे भाई ये तो मिथ्या है। जब अभी जान लिया है कि ये मिथ्या है, आप देख रहे हैं उसका मजा तो उठा रहे हैं मगर उसको प्राप्त करने में कोई प्रयास नहीं करते हैं, क्यों? ये मिथ्या है। मतलब वहां पे अप्रमाण बुद्धि होने के कारण कोई कर्म का आरंभ नहीं होता उस वस्तु की प्राप्ति के लिए। जब अपने स्वरूप मैं शरीर नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मन नहीं हूं, ऐसा जो अनुभव की जिसको हो गया हो, बस बाद में फिर क्या है? और है नहीं कुछ। इसीलिए प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितम कर्तव्यम कर्म इति ही कर्मणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशाइव इति। तो प्रमाण भूतेन वेदेन, वेद द्वारा, वेद ही प्रमाण है, क्योंकि वैदिक कर्म के लिए हाँ फिर क्या है? वेद ही प्रमाण है। वैदिक कर्म के संबंध में क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण। सो प्रमाण भूतेन वेदेन, वेद का क्या है? चोदितम। देखिए वेद क्या, वेद माने कर्मकांड, वहां पे क्या है? वेद का मतलब, वेद माने वेद का क्या है? अनुशासन। क्या अनुशासन है? कर्म करो। चोदितम वेदेन चोदितम मम कर्तव्यम इदि इतम, ये मेरा कर्तव्य है। भैया किसने कहा? वेदेन चोदितम, वेद निर्देश किया मेरे लिए, वेद ने निर्देश किया मेरे लिए ये कर्म, चोदितम कर्तव्य रूपेण, मेरा ये कर्तव्य है, ऐसा ने वेद ने कहा, इसीलिए मैं कर्ता बन गया, बनकर इस पर प्रवृत्त हो गया। भैया ये प्रमाण क्या है? वेद, वेद ही प्रमाण है। किसके लिए प्रमाण है? कर्म के लिए। तो कर्म के पीछे में पड़ गया हूं, कर्म के पीछे पड़ा हुआ मुझको लोग क्या कहेंगे? मैं कौन हूं? कर्ता। तो मैं कर्ता बन गया, वेद बन गया, प्रमाण है ना, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो मेरा कर्तव्य बन गया। किसने कहा ये तुम्हारा कर्तव्य? वेद ने कहा। किसने कहा? वेद। मैं अज्ञान में हूं, अविद्या में हूं, अविद्या में ही स्थित हूं, इसलिए वेद हमसे कह रहे कि ये कर्म करो। ज्ञानी को वेद और कोई शास्त्र शासन करने में समर्थ नहीं है। हमने देखा ना मांडव्य में या श्वेता सूत्र में भी, कोई वेद या कोई शास्त्र ये नहीं कह सकता ज्ञानी को तुम ये करो या ना करो, ना ना ये तो पार गया। तो
तो अविद्या मात्र मिदम सर्वनिशाय इति, जिसको समझ में आ गया कि ये सारा अविद्या ही है, अविद्या का ही रूप है, अविद्या का ही कारण है कि ये सब का अनुभव, ये सब सारा अनुभव दिखाई पड़ दे रहा है दुनिया पूरा, पूरी दुनिया, इसीलिए न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशायव इति, रात्रि जैसे है, जैसे जिसको ये ज्ञान हुआ उसके लिए ये फिर कर्म के कर्म करना, उसको स्वयं कर्ता बनना, फिर वेद को प्रमाण मानना और इस कर्म के पीछे पड़े रहना, फिर कर्तव्य कर्म करते रहना, ये सर झंझट से हट गया। जिसका अनुभव हो गया सब और भगवान ही भगवान है, तो ऐसा जो व्यक्ति बस सिर्फ पूर्व दिशा में मुख लगाकर ध्यान करो, या उत्तर दिशा में मुख लगाकर ध्यान करो, या पश्चिम की ओर कभी मत देखो, दक्षिण की ओर यमराज का दर्शन होगा, ये सब फिर नियम उसके लिए नहीं है। जो हर जगह भगवान ही, जो जिसको हर जगह भगवान का ही दर्शन हो रहा हो, तो इसके लिए ये क्या नियम है, उसे पार हो गया। जब मैथमेटिक प्रोफेसर जो होता है ना यूनिवर्सिटी में, बस एक कोई समस्या है तो समस्या का हल करने में, इसका समस्या का समाधान ढूंढने में वो क्या करेगा, ये पहला स्टेप करेगा, फिर बाद में दूसरा स्टेप, जिसके लिए वो प्रोफेसर के लिए जो दूसरा स्टेप बन गया, स्टेप बन गया, ये वही स्टेप बच्चा के लिए इसके बीच में 25 या 30 स्टेप लगाना पड़ता है। जो प्रोफेसर समझाते समय ये अज्ञानी लोगों को ये ऐसा नहीं कह सकता, ये फर्स्ट स्टेप है, ये दूसरा स्टेप ये है, ये कैसा, बीच में सारे जितने भी स्टेप्स है सबको उड़ा दिया, भाई ये मेरे लिए है और आपके लिए नहीं है। तो अज्ञानी के लिए एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, एक स्थिति पार करना, फिर दूसरी स्थिति पर पहुंचना, फिर उसको पार करना, फिर तीसरा, एक एक स्टेज के, एक एक स्टेज पार करते हुए, पार करते हुए, स्थिति पार करते हुए आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ए वेद ने चोदितम, कर्म चोदितम, भाई कर्म करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। भैया पहले पहले जो हैंड राइटिंग जो शुरुआत में ना, वो रूल बुक चाहिए कि नहीं, रूल बुक चाहिए, सिंगल लाइन, डबल लाइन, फोर लाइन, ऐसा करके, क्योंकि ना तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लिखने का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, न जाने बच्चे कैसे लिखते हैं। ये आधार बन गया है भाई, इसी के ऊपर लिखो, और टीचर पूछे ये लाइन के नीचे क्यों गया, लाइन के ऊपर क्यों गया, पूछते कि नहीं बच्चा, ये लाइन ही प्रमाण है क्या, चोदितम वेदेन चोदितम, ये शास्त्र है, इसका अनुसार तुम चलना ही पड़ेगा, इसके अनुसार ही लिखना पड़ेगा तुमको, इसके ये आधार के बिना तुम लिख नहीं सकता, किस लिए, क्योंकि कोई पढ़ नहीं सकता, तू बोलेगा पेज खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर जाएगा ऐसा सीधा, तो तेरे लिए ये आधार जरूरी है। काफी उदाहरण और दूं ना, और मत देना, आगे बढ़ना। तो अज्ञानी के लिए जो चोदितम कर्म न अविद्या मात्रम इदम सर्वनिशाय इति, जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए तो नहीं है, ये पार हो गया। अरे भाई पार होने के बाद वो मांगेगा कि ए भाई रूल गिल बुक निकाल दो यार, ये सब बेकार है, मेरे को सिर्फ व्हाइट कागज की किताब ले लो, सफेद कागज की किताब चाहिए, कोई नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए इसमें, क्यों, बस भाई आप फिर ये आधार नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसको मैंने पार कर दिया। तो जब तक हम सब ऐसा मत सोचो कि मैं ज्ञानी बन गया एकदम सुनने के बाद, ये शंकर भाष्य दूसरा अध्याय भी खत्म नहीं हुआ, हम ज्ञानी बन गए, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, ब्रह्मस्थ हूं, मैं अज्ञान से परे हूं, न शरीर हूं, न मन हूं, ऐसा सोचते सोचते एक कांटे के ऊपर पैर लगा दिया, मम्मी, मम्मी कहां से आए, कहां से आए,
ये बकवास चिंतन मत करो, आप जहां हैं वहीं से शुरू करो यात्रा। मैं जहां हूं मैं वहीं से शुरू करता हूं यात्रा, रोज रोज उठ के देखना मैं कहां पर हूं, इधर हूं तो शुरू करो। यस्य पुनः निशायुव अविद्यामात्रम इदं सर्वं भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्मसंन्यासे एव अधिकारः न प्रवृत्तौ। और जिसको पुनः निशायुव अविद्यामात्रम इदं सर्वं भेदजातम्, ये सारा जो भेदजातम, ये भेद का जो अनुभव हो रहा है हम सबको, ये अलग है वो अलग है, ये है ये है, ये सारा भेद, वो भेद के कारण कुछ के व्यवहार की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति। मैंने कल कहा ना कि ना शाम को देखना क्यों दुनिया को, देखो मत, मैंने बुरा स्वप्न देखा, पर किसने देखा, मैंने तू क्यों देखा, देखा क्यों, उठना था तुरंत था, तब कैसे कैसे उठे, देखना पड़ रहा है भाई, सोने से पहले जैसी विचार तेरी है उसी तरह का ऐसा अपन तुम देख रहे हो। ये बहुत जरूरी साधन है साधक के लिए, सोने से पहले जैसी आपके विचार है, आप भगवान का नाम लेते 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 और नींद में प्रवेश किया और उठते ही भगवान का ही नाम आएगा, तब ये रात भर ध्यान हो गया आपका, सोते सोते सोचते कि कल किसके ऊपर टोपी लगाना है और सो गया, रात को आप टोपी बेचने वाले बन गए, गार्डन में टोपी बेच रहे हैं, सबको पहना के साइज, ए साइज ठीक है आपके, ठीक है वेरी गुड, रात सपने में किसी ने बोला गुरुदेव के पास जाके, स्वामी जी ने मैंने एक स्वप्न देखा गुरुदेव के पास, बोला क्या स्वप्न है, बोला एक मैंने देखा स्वप्न में हाथी जीन पैंट पहनकर डिस्को डांस कर रहा है, तो गुरुदेव ने पूछा कि चलो ठीक है इसका अर्थ क्या है, गुरुदेव से पूछा। ये लोग सोचते हैं कि महात्मा लोग खाली बैठे हैं, तो गुरुदेव ने कहा जरा बताओ तुमने क्या क्या किया कल, उन्होंने बोला कि पहला मैंने जूलॉजिकल पार्क चला गया, अच्छा क्या क्या देखा, वो हाथी शेर सब देखा, बढ़िया है, क्या पसंद किया, और ये स्वामी जी ऐसे जो हाथी थी मैंने देखा कल मजेदार, आह मैजेस्टिक, खुश है, ठीक है बेटा ठीक है। बाद में क्या किया, जूलॉजिकल पार्क के बाद मैं शॉपिंग चलने करने गया, कुछ खरीदा, खरीदा तो नहीं मगर मैं सारा पैंट शर्ट देख के आया हूँ, जीन पैंट सब बढ़िया है। रात को कहाँ गया, डिस्को डांस में चला गया, तो सुबह का हाथी शाम दोपहर का जीन पैंट पहनकर रात से नाच रहे टिंग 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 टिंग, ये कल्पना है। लोग पूछते मैंने स्वप्न में ये देखा इसका मतलब क्या है, भैया तू पहले तू देखता क्यों स्वप्न, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, देखना बंद करो, एक बात है, दूसरी बात है मुझसे क्यों पूछते हो इसका अर्थ क्या है। तो यस्य पुनः निशायव, जिसके लिए सारा रात्रि जैसे अविद्या मात्रम इदम सर्वम, ये सब व्यवहार जो चला रहे हैं हम बस अविद्या मात्र ही है, कोई इसमें कोई सत्ता नहीं है। उस क्षण हमको जगमाते हुए हमारे सामने ये सारा का सारा नृत्य हो रहा है इसका, कुछ भी नहीं।
ये आपको समझ में आना है। तत्क्षण जो व्यवहार करना है करो, उस क्षण में जैसे कि आप हटकर देखो उस दुनिया को, सारा प्रपंच को, सारा विश्व को देखो, आकाश में कहीं स्थित हो जाओ, मन में ही कल्पना करके वहां से देखो इस चित्र को, इस दृश्य को। अनेक प्रकार के मास, ऋतु, ग्रहण, नक्षत्र, ग्रह, तो उन सामने सारे जीव, अनेक प्रकार के जीव, स्थूल सूक्ष्म लोक, सारा का सारा व्यवहार एक ही क्षेत्र में हो रहा हो, इस विश्व में एक ब्रह्मांड को देखो। अनेक प्रकार के हवास, चीत्कार, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आक्षेप कर रहा है, कोई संशय प्रकट कर रहा है, सारा अनेक प्रकार के जीव, इसमें मच्छर है, मक्खी है, कुत्ता है, हाथी है, सब जानवर है, पशु पक्षादि है, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, सभी जीव है, सभी प्राणी है, ये सारा व्यवहार चल रहा है। द्वैत प्रपंच सबको इकट्ठा करके देखो, है ही नहीं। धीरे 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 सारा का सारा विलीन हो जाएगा, फिर स्वयं आप रह जाते हैं, वहां से स्थित होकर आकाश में कहीं दूर देखा, कल्पना करो, फिर धीरे धीरे दूर से आपको बस सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि एक लाइट, और पास में चलते चलो पहुंचोगे, फिर उसके अंदर प्रवेश करोगे, फिर सारा ही सारे दर्शन, संसार, व्यवहार, व्यापार, सभी प्राणी अपने ही विचार में, अपने ही मत में, अपने ही अज्ञान अवस्था में, अविद्या अवस्था में, कोई कल्पना करता सुख के लिए, किस तरह का कल्पना न जाने, अनेक प्रकार के कल्पना करते हुए कल्पनाएं, ये सारे जीव जो है उन सबके ओर देखो। तो ये सारा निशाय है, रात्रि है, यस्य पुनः निशायव अविद्यामात्रमिदं सर्वं भेदजातमिति ज्ञानम्, जिसका ज्ञान ये हुआ, यह ज्ञान हुआ, तस्य उनका आत्मज्ञानस्य, ऐसा जो आत्मज्ञान के लिए सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारः न प्रवृत्तौ, जिसको ये ज्ञान हुआ वो किस लिए अधिकारी बन गया, किसके लिए, सर्वकर्म संन्यास के लिए। भैया ये दुनिया से मेरा कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक है, ये व्यवहार में जो मेरे पास पहुंचेगा उसको भी मैं यही ज्ञान सुना देता हूं, तो सन्यासी के पास जाकर आप कुछ पूछोगे तो सन्यासी कहेगा निवृत्त हो जाओ। माने सन्यासी जो गुरु के रूप में बैठकर, गुरुस्थान पर बैठकर जो आपको प्रवृत्ति के, जो आपको प्रवृत्ति जैसा लगता है, सन्यासी का जो मार्गदर्शन वास्तव में वो प्रवृत्ति नहीं है, वो धीरे 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 उस मार्ग से चलने पर आपको
निवृत्त, आपको निवृत्त एक ऐसा स्थान पर पहुंचेगा, निवृत्त पर, निवृत्त स्थान पर पहुंच के निवृत्त हो जाओगे आप। वास्तव में जो गुरु दिखाता है वो प्रवृत्ति जैसा दिखता है, वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं है। ये दुनियादारी लोग हमको चोदना करते रहते ना, चोदितम, और बोलते रहते ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। अरे भाई, जैसे कुत्ता को भगाते हैं ऐसा भगा देते हैं लोग। मैं सच कह रहा हूं, हर चीज में आपको सलाह देने वाले 2000 लोग होंगे कम से कम नोएडा में, दिल्ली में नहीं, एनसीआर के बाद मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ नोएडा में 2000 लोग, फिर दिल्ली के लोग और 1000 लोग, दुनिया भर के लोग बहुत सब भूख बोलते रहते हैं। मैं सिर्फ उदाहरण देता हूं, कोई गुरु बस बेचारा खांसी आ गया है, वो 4-5 बार वो खांसी के कारण एक क्षण के रोकना, फिर खांसी करके फिर प्रवचन दे रहे हैं। बस प्रवचन के बाद 1000 लोग उसके पास जाके पहुंचेगा, ये चूर्ण ले लो, ये दवा ले लो, आपने दूध लिया क्या, अदरक लिया क्या, अब तुलसी का पानी ले लो, ये चबा लो वो चबा लो। वो गुरु बोलेगा मेरे गर्दन दबा दो। ये दुनियादारी के लोग है ना, ये प्रवृत्ति में डाल देते हैं आपको। मैं क्या समझाऊं आपको इसकी जगह। जो गुरु आपको प्रवृत्ति में करता है, प्रवृत्त करता है ना कि इसमें करो ये करो, वो करने से आप निवृत्त तक पहुंच जाओगे आप। मैं सच कह रहा हूं, गुरुदेव का जितना भी सभी को प्रवृत्ति में लगा दिया, देश की सेवा में, संघ की सेवा में, ये सेवा करो वो सेवा करो, किसी को बैठने नहीं दिया, बोले लगातार सेवा करो। आप, मैं कह रहा हूं आपको, सच कह रहा हूं, जो व्यक्ति गुरु को, गुरुदेव का जो मार्गदर्शन जो गुरुदेव ने दिया, उस मार्ग पर चलते चलते इसी तरह से का जीवन जीने लग गया, कुछ ही साल में वो वैराग्य स्थिति पर पहुंच जाएगा। पर कहते हैं कि ये गुरु भी, हमने सब छोड़कर गुरु के पास आया, गुरु ज्यादा काम करने दिए गए, ले गए, देने लग गए। देखिए, मैं सब छोड़ने के बाद फिर मैं आश्रम में जब गया था ना, तो दीक्षा से पहले तो गुरु जी ने हमको बुलाया, गुरु जी मैंने सुनते जो मैंने बोले हाँ बताइए गुरु जी, बोले कि तुमको कंप्यूटर जानते क्या तुम, बोला मैं कंप्यूटर सब छोड़ के आया हूँ, कंप्यूटर में एक कीबोर्ड भी मैं नहीं जानता हूँ। उस जमाने में क्या कंप्यूटर है ही नहीं, वहाँ पे आराम से बसाओ जी, ये सब मुझे नहीं जानता, मैं जानता, तुमको सीखना पड़ेगा कोर्स के बाद, तुम 6 महीने के लिए कोर्स ज्वाइन हो जाओ। बोला मर गया, सब छोड़कर आया फिर कोर्स जाना पड़ा है, ये काई का प्रवृत्ति है। मैं तो नहीं गया, कोर्स नहीं गया, ऐसे सीख लिया, वो अलग बात है। फिर उसने पूछा तुम अकाउंट्स जानते हो, बोला मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, अकाउंट्स भी सीख लेना। बोला किस लिए, जो मैं तुमको काम देने वाला हूँ उस काम ये सब जरूरी है। हाय राम, हाय राम, क्या है जो गुरु, जो प्रवृत्ति गुरु आपको डाल देता है ना, उस प्रवृत्ति मार्ग में आप करते करते आप निवृत्त हो जाओगे, यह है कमाल। तो उसी मार्ग पर प्रवृत्त हो जाना। जो गुरु कहता है कि तुम्हारे लिए ये लायक है करो, वही करो, यही करो, जब मैं बचपन में गुरुदेव के जब सामने कई बार ग्रुप में भजन गाया उनके सामने, कभी कभी प्रोग्राम में ऐसे इधर उधर, तो सिद्धवड़ी में इधर उधर एक दो बार, ये एक दो बार ज़्यादा नहीं है। और मेरे साथ जो साथी जो गायक जो गए, जब उनको बस जाके नमस्कार के गुरुदेव सबको देखते थे, बड़ा वेरी गुड वेरी गुड, सिंग इज ग्लोरियस एंड डू प्रचार, जब मैं जाता था चुप हो जाते थे, बोलते मुश्किल क्यों नहीं बोलते हैं भजन गाने का, वो जानते हैं कि मैं भजन गाने वाला नहीं हूँ जीवन में। तो उसमें मुझे प्रवृत्त नहीं किया। पर अच्छा, बहुत साल पहले अचानक एक लेटर आया कि तुम शंकर भाष्य पढ़ो। मैं जब कुछ
संस्कृत भी जब कुछ है नहीं जानता हूं मैं कुछ भी। बोले ये मुझे मेरे पीछे क्यों पड़ गए शंकरवासी बड़ो करके। तो गुरु जिस मार्ग पर आपको प्रवृत्त करा देता है, कर देता है ना, इस पे प्रवृत्त हो जाओ, ऐसा आज्ञा देता है ना, उसको छोड़ना नहीं आता। ये बेकार दुनियादारी लोग आप प्रवृत्त कर रहे, उसी को मानते हैं आप, गुरु का बात मानते नहीं। इसीलिए ये सारे भेद जातम, भेद से इसका जो हुआ उत्पत्ति, अज्ञान के कारण अज्ञान, भेद भेद के कारण फिर कर्म, कर्म करने का सारा चला जाता है। ये सब अविद्या मात्रम एव, यही जानने से सर्व कर्म संन्यास एव अधिकारः तथा च दर्शयति तद्बुद्धयः तदात्मानः इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम्। देखिए इस वाक्य के द्वारा गीता का श्लोक माने पांचवा अध्याय 17वां श्लोक, 17वां श्लोक है वो, तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि तदाकार हो, जिसका मन तदाकार हो, तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा, जिसकी निष्ठा उसी में हो, तत्परायणः उसी का परायण होकर जो जीता है, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। देखिए ये वो ज्ञान के कारण, ज्ञान ज्ञानेन निर्धूतम सर्व कल्मषाः, उस ज्ञान के कारण सारा सारा पाप धो गया, ब्रह्म निर्वाण। पांचवा अध्याय 17वां श्लोक आप देख सकते हैं, उसी में है, किताब है ना आपके पास। देखिए भगवान क्या कहते हैं, कर मिला देखिए। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम्। फिर वापस नहीं आने का जो स्थान है, वहां से जाने के बाद फिर लौटने का कोई कारण नहीं है, लौटेंगे भी नहीं। उन सब के लिए, ज्ञानी के लिए संन्यास में ही अधिकार है, माने उन संन्यासियों के लिए इत्यादिना ज्ञान निष्ठायाम एव तस्य अधिकारः अधिकारम। ठीक है, यहाँ तक तो भगवान श्री कृष्ण समझा दिया। और आचार्य जी फिर और कहते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं, ये प्रश्न क्या है कि भैया आप कहते हैं प्रमाण 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 जो भी है, इसका एक प्रश्न है कि सारे सब सारा का सारा जो है ये सब मिथ्या है। अब मिथ्या में जो प्रमाण को मानकर करते, फिर आत्मज्ञान में इस बाकी सारे प्रमाण मिथ्या होने के कारण, आत्मा सत्य होने के कारण, और मिथ्या प्रमाण के द्वारा सत्यत्व वस्तु की प्राप्ति कैसी होगी? आत्मा तो सत्य है, जो सारा प्रमाण आप जिसको मानकर चल रहे हैं वो सारा प्रमाण किसमें है? अविद्या अवस्था में है। मिथ्या है, ऐसे मिथ्या पूर्वक प्रमाण को, ऐसे कोई प्रमाण को मानकर सत्यत्व जो आत्मा है, सत्य आत्मा, उसकी प्राप्ति के लिए ये प्रमाण कैसे काम आएगा? दूसरा प्रश्न क्या है, तो आत्मा के विषय में कौन सा ये प्रमाण है, फिर किस प्रमाण के द्वारा आत्मज्ञान हो सकता है? तो इसका जवाब हम कल देखेंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।